लखनऊ की बात कर लेते हैं। प्रदेश में अतिवृष्टि से जनहानि पर शोक, सीएम ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना जाहिर की है। आकाशीय बिजली गिरने से यहां पर जनहानि हुई है। मृतकों के परिजनों को 4 लाख की आर्थिक मदद का निर्देश हुआ है। सीएम योगी ने जिला अधिकारियों को निर्देश दिया है। आपदा में घायलों के उचित इलाज की व्यवस्था का निर्देश हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं लखनऊ से। प्रदेश में अतिवृष्टि से जनहानि पर शोक व्यक्त किया है। सीएम ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना जाहिर की है। आकाशीय बिजली गिरने से जनहानि हुई है। मृतकों के परिजनों को 4 लाख की आर्थिक मदद का निर्देश हुआ है। सीएम योगी ने जिला अधिकारियों को निर्देश कर दिया है। आपदा में घायलों के उचित इलाज की व्यवस्था का निर्देश दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तो ये आपको बता दें, बिजली गिरने से, आकाशीय बिजली गिरने से यहाँ पर जनहानि हुई है और मृतकों के जो परिजन हैं उनको बतौर आर्थिक सहायता 4 लाख की आर्थिक मदद का ऐलान हुआ है, निर्देशित कर दिया गया है आर्थिक मदद देने के लिए अधिकारियों को। विशाल इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, जनहानि जिस तरीके से हुई है, आकाशीय बिजली गिरने से 4 लाख की आर्थिक मदद का ऐलान सीएम की तरफ से किया गया, निर्देशित कर दिया गया, आपके पास क्या जानकारी इसको लेकर? और बिल्कुल, उत्तर प्रदेश में चूंकि कल देर रात से तमाम जगहों पर बारिश जो है वो हुई है, इसके साथ साथ तमाम जगहों पर बिजली गिरी है। हालांकि कल दोपहर के बाद से ही मौसम जरूर खराब हो गया था, तमाम जगहों पर भारी ओलावृष्टि हुई है, लेकिन कल देर रात चूंकि कई जो इलाके हैं ग्रामीण वहाँ पर इस तरह की खबरें आई हैं, कई लोगों की मौत हुई है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शोक संवेदना व्यक्त की है। इसके साथ साथ जो मृतक के परिजन हैं उनको तुरंत ही आर्थिक मदद पहुँचाने के लिए निर्देश जो है वो जारी किए गए हैं। तमाम जो जिला हैं उन सबको निर्देश जारी कर दिए गए हैं और ये भी कहा गया है कि जहाँ जहाँ पर अगर ओलावृष्टि होती है और मौसम खराब होने की वजह से जनहानि होती है तो उस पर तुरंत ही जो राहत आपदा केंद्र की जानकारी दी जाए। इसके साथ साथ तत्काल प्रभाव पर से मौके पर जो है अधिकारी जाएं और पीड़ित परिवार हैं उनकी मदद करें। जी, और शुक्रिया आपका विशाल तमाम जानकारी देने के लिए।